मधुगंगा हेलीपैड उठीमठ से सैकड़ों जन सैलाब के साथ रहा सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप सिंह रावत का जनसंवाद कार्यक्रम। खबर है रुद्रप्रयाग जिले व उठीमठ ब्लॉक से। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में आने वाले समय में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के ऐसे में एक बार फिर से सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप सिंह रावत केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार और मजबूत दिख रहे हैं। बता दें कि रविवार को मधुगंगा हेलीपैड उठीमठ से सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप सिंह रावत का जनसंवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें मधमेश्वर घाटी, तुंगनाथ घाटी व कालीमठ घाटी से सैकड़ों लोगों मौजूद रहे। और बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम में मधमेश्वर, तुंगनाथ व कालीमठ घाटी की महिला मंगल दल, भजन कीर्तन मंगल दल की टीम व बुजुर्ग महिला और पुरुष एवं युवाओं का जनसैलाब देखने को मिला। वहीं होटल एसोसिएशन से अमित मेघमंडी ने कहा कि आज केदारनाथ धाम में यात्रा की स्थिति जैसी बन गई है कि उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप सिंह रावत द्वारा पूरे केदारनाथ घाटी के निस्वार्थ भाव से सामाजिक कार्य किया जा रहा है, जिसमें गरीब व महिला और बुजुर्ग भी शामिल है। वहीं पूर्व सैनिक प्रहलाद सिंह राणा ने कहा कि हमें ऐसा लीडर चाहे जो केदार घाटी की जन समस्या का समाधान करे, युवाओं को रोजगार दे, और ऐसा लीडर केवल एक ही आदमी है, वह है सिर्फ कुलदीप सिंह रावत, जो पिछले 12 सालों से केदार घाटी के युवाओं और महिलाओं एवं बुजुर्गों के हर एक सुख दुख में साथ देते आ रहे हैं। वही प्रधान विजय लक्ष्मी देवी कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप सिंह रावत ऐसा आज तक हमने आदमी नहीं देखा है जो महिलाओं के हर सुख दुख को देखता है। महिला मंगल दल अध्यक्ष प्रेमनगर सरिता देवी ने कहा कि मेरे गांव में कहीं ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति नहीं है और न उनके पास घर है, साथ ही छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। बताया गया कि उनके द्वारा शासन प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया गया है, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कुलदीप सिंह रावत से मांग की है कि इन परिवारों को भी ध्यान दें। कार्यकर्ता कुलदीप सिंह रावत ने जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से कहा कि ये जनसंवाद का चुनाव मेरा नहीं है, ये जानता है कि जिसमें उन्हें इस बार घर एक घाटी से जनसमर्थन मिल रहा है। और रावत ने कहा कि वे आगे भी निस्वार्थ भाव से सामाजिक कार्यकर्ता करते रहेंगे। उन्होंने जनता का साथ मांगा है। सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप सिंह रावत द्वारा मंगोली चारी की मिट्टी को स्वच्छता के प्रति अच्छे कार्य करने पर 3,000 रुपये की पुरस्कार की धनराशि देकर ट्रॉफी व शॉल और माला के साथ सम्मानित किया गया। और इस मौके पर महिला मंगल दल अध्यक्ष ओमकारेश्वर आरती शेव, महिला मंगल दल अध्यक्ष गांधीनगर मीरा देवी, राजेश्वरी देवी, वन पंचायत सरपंच पवन राणा, संजय मनवाल, सतेश्वरी देवी, दिलबर सिंह नेगी, सौरव विराट भट्ट, नागेंद्र राणा, राकेश कर्नाटकी, यशपाल रावत, विनोद असवाल, दिलीप सिंह समेत सैकड़ों आम जनमानस मौजूद थे। संवाददाता ओम प्रकाश, केदारखंडी, बीएचपी न्यूज़, उठीमठ। हमारे काम चलते हैं। 2013 आपदा के बाद जो है यहाँ पर बहुत बड़ी जरूरत इस काम की थी, इसलिए मैंने इस काम के लिए यहाँ पे परमानेंट डेरा बना दिया। उस समय मैंने 70 बच्चों को गोद लिया था, उन बच्चों के जिनके पेरेंट्स थे जो सक्षम नहीं थे, और वो इसे जानते हैं यहाँ पे कई लोग, मैंने उनकी जिम्मेदारी उनके ही रिश्तेदार को दी थी कि आप इनसे काम मत करवाना, इनका पढ़ाई का, खाने का, कपड़े का सब पैसा मैं दे रहा हूँ आपको, हर 3 महीने पैसा आप तो पहुँच जाएगा, आप इनको जो है अपने बच्चों जैसे ही पालना। और वह भी ऐसे कई बच्चे आज पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, कई नौकरी भी लग चुके हैं। अभी 2 महीने पहली बात है, एक बहन मेरे पास मिठाई डब्बा लेके आई थी,